हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हम इलेक्शन कमीशन और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई होप आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। आज हम सोली डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में और ये कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहले तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जनरल लेवल पर बात करें तो ये तीन तरह की होती हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम को आप वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं, मतलब कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे सिंगल पार्टी रूल करती है वो हो गया आपका वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, जैसे कि यूएसएसआर है, प्लस ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि आपका यूएसए है, आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन में बात करें तो हम इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीज़ होती हैं। अब थर्डली हम बात करेंगे मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में, जो कि इंडिया में है। इंडिया में देखिए कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सीपीआई है, आईएनसी है, बीजेपी है, कितनी है पॉलिटिकल पार्टीज़, राइट। तो इंडिया, इटली, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, तो ये हमने देखिए जनरल लेवल पे बात की कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कितने तरह का होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना है तो वो कैसे रजिस्टर करता है, किसके अंडर रजिस्ट्रेशन उसकी होती है, अंडर पीपल्स एक्ट 1951, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ये तो हमने जनरल ओवरव्यू की बात की, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि पार्टीज़ कितनी तरह की होती हैं इंडिया में। तो दो तरह की होती हैं, एक होती है नेशनल पार्टी पूरे नेशनल लेवल पे, दूसरी होती है रीजनल पार्टी, या जिसे आप स्टेट पार्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल पार्टी कौन सी होती है और स्टेट पार्टी कौन सी होती है। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हमेशा मेरी वीडियोस पे ये कमेंट्स आते हैं कि मेरी जो पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस हैं वो आपको सीक्वेंस में नहीं मिल रही हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है और उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी तक के जितने भी मैंने हैंड रिटन नोट्स की वीडियोज़ बनाई हैं वो सब आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मैंने स्टार्ट किया था और आज हम पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुँच चुके हैं, राइट। तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं। मैक्सिमम हर एक टॉपिक मैंने अभी तक तो कवर किया ही है, बट जो भी रहते हैं वो नियर फ्यूचर कवर करूंगी। तो अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स की तो आप ले सकते हैं, रेस्ट इज योर चॉइस। फाइन, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स की, नेशनल एंड स्टेट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि नेशनल पार्टीज कौन सी होती हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको हल्के से, आप कह लीजिए थोड़ा सा रटने वाला है, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कम है, मुझे भी बहुत मुश्किल से हल्का फुल्का ये याद रहता है, अदरवाइज हर बार रिवाइज तो करना ही पड़ता है। एनपी मतलब नेशनल पार्टी, मेरे नोट्स मैक्सिमम शॉर्ट में मिलेंगे आपको, नेशनल पार्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी पार्टी किन्हीं भी चार स्टेट्स में अगर 6% वैलिड वोट्स ले लेती है, ठीक है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन है चाहे लोकसभा के इलेक्शन है, प्लस साथ में लोकसभा में चार सीट्स ले लेती है चाहे सिंगल स्टेट से चाहे टोटल स्टेट से, तो वो बन गई नेशनल पार्टी। पहली कंडीशन, यहाँ तक ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि लोकसभा में तीन डिफरेंट स्टेट से टोटल 2% सीट्स ले लें, यानी नंबर ऑफ सीट्स 11 लोकसभा सीट्स लेना बहुत बड़ी बात है, तभी बनेगी वो नेशनल पार्टी, ठीक है, या तो ऐसा कर ले। और कोई भी नेशनल पार्टी अगर स्टेट पार्टी रिकोगनाइज है चार स्टेट्स में उसको स्टेट पार्टी मानते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी बन गई। तीन कंडीशंस होती हैं नेशनल पार्टी बनने के लिए, पहली है ये सारी, दूसरी है ये वाली और थर्ड है ये वाली, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, क्लियर नहीं है जैसा मैंने लिखा है एज इट इज़ आप नोट्स बना लीजिए, 4-5 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। फिर है स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी का क्या रहता है, स्टेट पार्टी का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, इसे मत ये ऊपर वाले का नेशनल पार्टी का, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टेट पार्टी का कंसेप्ट। सो कोई भी पार्टी अगर 6% वैलिड वोट्स लेती है लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में चार या चार से ज़्यादा स्टेट्स से, प्लस साथ में 2 सीट्स जीत लेती है विधानसभा में, तो वो बन गई स्टेट पार्टी, या फिर 3% सीट्स ले लेती है विधानसभा में तब भी वो बन गई स्टेट पार्टी, प्लस एक कंडीशन और है उसके लिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर टोटल वोट्स का 8% ले लेती है लोकसभा में या विधानसभा में तो भी वो बन जाएगी स्टेट पार्टी। ये वाला जो कंसेप्ट है 2011 में ऐड किया गया था, ठीक है, तो आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे तो अभी तक कंफ्यूजन होता है। अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो आप जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज नोट्स बना लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे
रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज कौन सी होती हैं। हमने पढ़ लिया नेशनल पार्टी होती है, हमने पढ़ लिया स्टेट पार्टी होती है, हमने उनकी कंडीशंस भी पढ़ ली, बट अब हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज कौन सी होती हैं। नीदर नेशनल नॉर स्टेट, जो कि ना तो नेशनल पार्टी है ना स्टेट पार्टी है, रजिस्टर्ड है बट कोई रिकग्निशन नहीं मिली है, कोई पहचान नहीं मिली है। अब हम बात करेंगे हमारे देश में यानी कि इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं और कितनी स्टेट पार्टीज़ हैं। नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो 7 हैं, स्टेट पार्टीज़ की बात करें तो 36 यानी 36 हैं। नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं? INC, BJP, BSP, CPI, CPIM, NCP एंड TMC। ये जो 7 नेशनल पार्टीज़ हैं इनके सिंबल्स क्या हैं, किसने इसे बनाया है और सारी की सारी डिटेल्स इससे रिलेटेड, ठीक है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में वही अपलोड करूंगी एंड आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि INC को किसने फाउंड किया, कौन से साल में फाउंड किया, इसका सिंबल क्या है, ठीक है, तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगी, छोटी सी वीडियो होगी, वो 3 या 4 मिनट की आई बिलीव। उसके बाद है रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ कितनी है इंडिया में, 329, ये जस्ट आप देख लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ कितनी है, 2044, अब तो आई थिंक ये चेंज हो गया होगा क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले नोट्स बनाए थे। उसके बाद आता है ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952, जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे हमारे भारत देश में, उस टाइम पे नेशनल पार्टीज़ थी 14, अब आज कितनी है नेशनल पार्टीज, 7, मतलब कम हुई हैं। उस टाइम पे स्टेट पार्टीज़ थी 39, अब कितनी हो गई हैं, 36, मतलब ये भी कम हुई हैं, ठीक है। नाउ जो ये अमेंडमेंट होती है, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका सिंबल जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, कई बार देखते हैं हाथ है, कमल का फूल है, तो वो कौन एक्सेप्ट करता है, कैसे एक्सेप्ट होता है। एक ऑर्डर है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, उसके हिसाब से सब कुछ होता है, ठीक है। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट थी इस ऑर्डर में वो की गई है 2011 में। अब देखिए यहाँ पे वैसे ही सिंपल सी चीज़ मैंने बताई है, हमने बात की कि USA और ब्रिटेन में 2-पार्टी सिस्टम है, हमने बात की ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, तो वैसे ही बताया कि USA में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं जो रूल करती हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी, राइट। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पर HPGK के नोट्स और जनरल स्टडीज के नोट्स की वीडियोज़ जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी अपलोड करती हूँ, और इसी के साथ लेसन प्लान फॉर JBT और DLED वो भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।